इंदौर में बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर कांग्रेस नेता विधायक का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला, जहां पर इन लोगों ने खुद की कार को पोस्टर लगाकर मोदी और शिवराज कार बाजार खोला। जी हां, अपनी ही कारों को पोस्टर लगाकर रोड पर बेचने के लिए खड़ा कर दिया। आपको बता दें कि जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष दौलत पटेल ने बताया कि भाजपा सरकार के द्वारा लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं और इसीलिए आज युवा कांग्रेस ने यह अनोखा प्रदर्शन किया है। इसमें हम भाजपा नेताओं को अपनी कार खरीदने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। आइए हमारी कार खरीदे, दो पहिया खरीदिए, क्योंकि हम बढ़ते पेट्रोल डीजल के भाव में गाड़ी चलाने में असमर्थ हैं। इसी को लेकर आज युवा कांग्रेस रोड पर उतरा है। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक ये संदेश पहुंचाया है कि अब आम आदमी पर रहम करो और ये महंगाई की मार बंद करो। हालात आज महंगाई कितनी ऊपर पहुंच चुकी है, पेट्रोल डीजल का जो भाव है आसमान को छू रहा है। आज डीजल का भाव 100 रुपए से ऊपर हो गया है। आज पेट्रोल के भाव की अगर हम बात करें तो 109 रुपए हो चुका है। आज जिला युवा कांग्रेस के नेतृत्व में यहां पर युवा साथियों ने नरेंद्र मोदी और शिवराज कार बाजार के नाम से एक ऑटो डील खोला गया है। हम समस्त भाजपा के कार्यकर्ताओं से, समस्त भाजपा के नेतागण से निवेदन करते हैं कि आप यहां पर आइए और आपकी मंशा अनुसार, आप यही चाहते हैं ना कि लोग हैरान परेशान होकर, लोग पीड़ित होकर अपनी कारों को बेच दे, लोग परेशान होकर कर्ज के तले डूब कर अपनी बाइकें बेच दे, तो हम लोगों ने आज यहाँ पर आपके नरेंद्र मोदी और आपके शिवराज सिंह चौहान के नाम से यहाँ पर ऑटो डील खोला है। आप लोग आइए और अपने भाजपा कार्यालय पे आज कांग्रेस की सरकार में जिन लोगों की कार खरीदने का सपना जो पूरा हुआ था, आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, आज शिवराज सिंह चौहान की सरकार में अपनी कारें और अपनी बाइकें बेचने की नौबत आ गई है।